सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। 1 मार्च को पूरे देश में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर देश व दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं गड़बड़ाए नहीं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट जाता है। साफ सफाई व्यवस्था हो अथवा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखना हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, इन सभी बातों को लेकर प्रशासन अभी से मुस्तैद हो गया है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मांधाता के ओमकारेश्वर में पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ओमकारेश्वर के मौजूद लोग, गणमान्य लोग को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद थे। सभी ने मिलकर बैठक करके यह रूपरेखा बनाई कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ दर्शन आसानी से हों और कोई भी दुर्घटना, जनहानि इस मौके पर ना हो, इस बात की व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु वैसे ही प्रति माह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए आते हैं। ओमकारेश्वर बेहद सुंदर जगह है, यहाँ माँ नर्मदा के भी दर्शन हो जाते हैं, स्नान करने का मौका मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 4th ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर यहाँ स्थित हैं, इसलिए इसका बेहद बड़ा धार्मिक महत्व है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद कैसे रहे, इसको लेकर बैठक की गई। आपको बता दें कि जगह जगह CCTV लगाए गए हैं और ऑलरेडी CCTV यहाँ लगे हुए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में, बैठक के संबंध में अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। की मांग की जाती है, उसके लिए निवेदन किया जाएगा। और दूसरा, जो भी सुरक्षा प्रबंध घाटों में होते हैं, मंदिर में होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, सभी के इंतजाम किए जाएंगे। होमगार्ड के बल भी रहते हैं और हमारे जवान भी रहते हैं, उसकी व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। दिनांक 1 एवं 2 को महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन है, इसी संबंध में आज कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समस्त ब्लॉक स्तर के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 1 तारीख एवं 2 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व का भव्य आयोजन किया जाए। तथा इस बार पिछले 2 सालों से कोविड को देखते हुए बहुत सारे प्रतिबंध है, तो जो श्रावण के अंतिम सोमवार को जो सवारी निकलती, उसी रूप में इस बार भी सवारी का आयोजन करने का विचार किया गया, निर्णय लिया गया, परंतु कलेक्टर महोदय और SP साहब से चर्चा करने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसका आयोजन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे।